यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा साक्षी ज्वेलर्स हत्याकांड का 48 घंटों में हुआ खुलासा, पकड़े गए दो आरोपी। शनिवार 21 अगस्त को नालासोपारा पश्चिम में स्टेशन के पास की साक्षी ज्वेलर्स नामक सोने की दुकान में लूट एवं हत्या की जो जघन्य वारदात सामने आई थी, उस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना के 48 घंटों में दो आरोपियों को पकड़कर मामले का खुलासा कर दिया। आपको बता दें, इस बड़े अपराध का खुलासा करने पुलिस ने 15 अधिकारियों एवं 70 कर्मचारियों की कुल 15 टीमों का गठन किया था, जो सभी टीमें एक साथ मुस्तैदी से जांच पड़ताल कर रही थी। इन टीमों की अपनी जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर नालासोपारा प्रगति नगर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई। पकड़े गए दो आरोपियों में से एक आरोपी भाईंदर में रहता है, जो कि कोलकाता का मूल निवासी बताया गया है। वहीं दूसरा आरोपी प्रगति नगर नालासोपारा में ही रहता है, जो मूल रूप से गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है। इन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस आयुक्तालय के DCP क्राइम ब्रांच महेश पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। किस तरह से घटना घटी, पूरी घटना के बारे में क्या जानते हैं? 21 अगस्त शनिवार को नालासोपारा वेस्ट में ज्वेलर्स का, जो किशोर जैन करके ज्वेलर्स है, उनका दुकान था। इसमें हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को, उनके दुकान में जाके उनको मार दिया गया है, उनकी हत्या की गई थी और जो ज्वेलरी है वो चुरा के कुछ लोग भाग गए हैं। ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वहाँ गुना दाखिल किया है नालासोपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन में। घटनास्थल पे पुलिस कमिश्नर मेरा महेंद्र वसीवरा, बाकी सब सीनियर ऑफिसर्स ने विजिट किया था। हमारे ये गुना जो सीरियस और सेंसिटिव गुना था, एक व्यापारी की हत्या की थी इसमें, और ज्वेलर्स एसोसिएशन में काफ़ी सारा असंतोष था। इसलिए हमने इसमें जो हमारे ऑफिसर्स थे, अलग अलग पुलिस स्टेशन के सभी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स, ऐसे 15 टीम बनाई थी। मेरा वो 20 ऑफिसर्स एंड 70 पुलिसमैन इसमें इन्वॉल्व थे। अलग अलग टीम बना के इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। हमारे लोगों का इसमें बहुत शार्पनेस और बहुत स्पीडीली इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। बहुत कम टाइम पे आरोपी का शिनाख्त किया गया और उनको उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हुए उनको आज दोपहर में नालासोपारा ईस्ट से उनको अरेस्ट किया है। इन लोगों ने जो आरोपी है, इसमें से एक आरोपी है नालासोपारा में रहता है, वो नालासोपारा वेस्ट रेलवे स्टेशन में उसके आने जाने के रास्ते पे दुकान लगता है इनका, किशोर जैन का। वो हमेशा देखता था कि वो अकेला ही दुकान में रहता था। वो डेढ़ दो महीने से वो प्लान कर रहा था कि इसको वो करने के लिए। उसके पास पैसे भी नहीं थे उनके पास, पैसे पैसे ले पैसे पाने के लिए उन्होंने ये काम किया है। जब वो अकेला था दुकान के अंदर, उन्होंने 9 बजे, वो जिस दिन घटना हुई उस दिन 9 बजे वहाँ आए थे। वो 9 बजे आने के बाद उन्होंने काफ़ी देर तक वहाँ उसका वेट किया। दुकान खुलने के बाद जब उसने पूजा वगैरह की और वो अंदर गया, तब उन्होंने अंदर ही उन्होंने एंट्री किया। जब उसको चाबी मांगने लगे तो उसने अपोज किया और वो चिल्लाने लगा, इसलिए उन्होंने उसका मुँह दबाया, उसके हाथ पाँव बांधे, उसके ऊपर हमला किया। उसमें शार्प वेपन से हमला करने की वजह से उनकी स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई थी। बाद में ज्वेलरी वो लेके भाग गए थे। सर, बैकग्राउंड क्या था? सर, आरोपियों के पास क्या बरामद हुआ है? मतलब से पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ने में आसानी हुई, ऐसा क्या सुराग पुलिस के पास था जिससे मुलजिमों को पकड़ने में पुलिस को आसानी हुई? इतने जो ऑफिसर काम कर रहे थे, 20 ऑफिसर्स थे, 60-70 जवान थे, रात दिन वो काम करते, क्राइम में काम करते हैं, डिटेक्शन का काम करते हैं, उनके अपने अपने सोर्सेस है, इन्फॉर्मर्स है, उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन मिला था। सर, इनका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड क्या था आरोपियों का? बैकग्राउंड क्या था? इसमें एक जो आरोपी है वो उसके ऊपर गुने हैं बांद्रा और जुगू पुलिस स्टेशन में। उसमें भी वहाँ घर में घुस के फायर आर्म्स का यूज़ किया था उन्होंने। वहाँ दो रॉबरी का गुना उसके ऊपर है, एक 2013 का है बांद्रा का, 2016 का जुगू पुलिस स्टेशन का है। सर, आरोपियों के पास से क्या क्या बरामद हुआ है? अभी तक तो ऐसा पता नहीं चला है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन अभी पकड़े गए हो, इन्वेस्टिगेशन हम आगे करेंगे। सर, कितने की लूट की गई? अभी वो वेरीफाई करेंगे उनका थोड़ा और रिकॉर्ड, सबका रिकॉर्ड निकाल के जो पॉसिबिलिटी है वो चेक करेंगे। सर, ये जो दो गुने हैं ये भी इसी तरह के गुने हैं क्या? वो घर में, इसमें घर में किया है, हाउस रॉबरी है। हाउस मिलाकर कितने की लूट की गई? अभी जो पता चला है उन्होंने बताया हमको,
2 किलो और 200-300 ग्राम चांदी और कुछ सोने के गहने थे। उनके पास से क्या क्या मिला है सर? अभी तो तपास चालू है, अभी उन्होंने गुना कबूला है, उन्होंने माल कहाँ रखा है, कल किसके पास रखा है, कहाँ रखा है, वो आगे तपास हो जाएगा। सर किसी वाहन का उन्होंने प्रयोग किया है? वाहन का प्रयोग नहीं किया। सर ये खराब किस तरह से खराब हुई? वो तो तपास में हमने अभी पता चलेगा कैसे फरार हुए, उनके इंटरव्यू में पता चलेगा कैसे फरार हुए थे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।